नमस्कार सभी को। आज की हमारी कविता आत्म परिचय। आज के इस वीडियो में हम आत्म परिचय कविता की व्याख्या के साथ साथ इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो हमारा पाठ यहाँ से शुरू हो जाता है कि देखिए, आप ये लाइन्स हैं कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको पूरी लाइन्स नहीं बता रही हूँ। तो इसमें जो है, इसके रचयिता की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता को लिखा है। और इस कविता में कवि अपने जीवन के बारे में और दुनिया के बारे में बताता है कि उसका पूरा जीवन क्या है। व्याख्या में बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार जो है उसका जीवन का भार उठा करके घूमता रहता हूँ, उसके बावजूद मेरा जीवन जो है प्यार से भरा पूरा है। जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, कवि के जीवन में प्यार है और उसका जीवन जो है सितार की तरह है जिसे किसी ने छू करके झंकृत कर दिया हो, और फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठा है। यहाँ पर आप देख सकते हो व्याख्या में, ये उसका जीवन जो है सितार की तरह है और जिसे किसी ने छू करके झंकृत कर दिया हो, फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठा है और उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। उसने स्नेह रूपी शराब को पी रखा है, स्नेह रूपी शराब को उसने पी रखा है और अर्थात प्रेम किया है और प्रेम ही बांटा है। उसने कभी संसार की परवाह नहीं की है। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वे उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं और उनका गुणगान करते हैं, लेकिन कवि जो है वो अपने मन की इच्छा से चलता है, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन कहता है। विशेष की बात करें तो यहाँ पर कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है, यानी अपने प्रेम को उसने स्वीकार किया है, संसार के स्वार्थी स्वभाव पर टिप्पणी भी की है। और स्नेह सुरा वह सांसों के तार में रूपक अलंकार है, जगजीवन स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली का यहाँ प्रयोग हुआ है और क्या करता हूँ लिए फिरता हूँ, इसमें आवृत्ति जो हुई है उसमें गीत की मस्ती है। यहाँ पर प्रश्न जो आ जाता है, प्रश्न है कि जगजीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है, तो ऐसे में भी वह क्या कर लेता है। और फिर ये प्रश्न है कि स्नेह सुरा से कवि का क्या आशय है, ये सारे यहाँ पर आप प्रश्न देख सकते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए कि जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते मिल सके। उत्तर इस प्रकार से हैं कि जगजीवन का भार लिए फिरने से कवि का आशय है सांसारिक रिश्ते नाते और दायित्व को निभाने की जिम्मेदारी, जिन्हें ना चाहते हुए भी कवि को निभाना पड़ रहा है। ऐसे में भी उसका जीवन प्रेम से भरा पूरा है और वह सबसे प्रेम करना चाहता है। स्नेह सुरा से क्या आशय है? स्नेह सुरा से आशय है प्रेम की मादकता और उसका पागलपन, जिसे कवि हर क्षण महसूस करता है और उसका मन झंकृत होता रहता है। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते का आशय है, यह संसार उन लोगों की स्तुति करता है जो संसार के अनुसार चलते हैं और उसका गुणगान करते रहते हैं। फिर है सांसों के तार से कवि का क्या तात्पर्य है? उसके जीवन में भरा प्रेम रूपी तार जिसके कारण उसका जीवन चल रहा है और ऐसा लगता है कि कवि की प्रेसी ने उसे झंकृत किया होगा। फिर सेकंड स्टेंजा जो है इस तरह से है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। ये वाला जो स्टेंजा है, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने की नाव बनाए, और मैं मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ पर अगर मुख्य शब्दों की बात करें तो उद्गार होते हैं दिल की भाव, उपहार होता है भेंट, और भाता यानी अच्छा लगना, स्वप्नों का संसार यानी कल्पना की दुनिया, दहा यानी जलना, और भवसागर जो है संसार रूपी सागर। यहाँ पर कविता जो है आत्म परिचय से पंक्तियाँ ली गई हैं और परिचय हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, तो सीधा हम व्याख्या कर रहे हैं। कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है, उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं उन्हें वह साथ लिए फिरता है, उसे यह संसार अधूरा लगता है, इसके कारण यह उसे पसंद नहीं है।
वह अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है। उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है और वह कहता है कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, यानी कि मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन कर लेता हूँ, किसी और तक उसकी आँच नहीं आने देता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं मैं उनमें मस्त रहता हूँ। और यह संसार आपदाओं का सागर है, यानी मुश्किलों का संसार है। लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर के बहता है, उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। इन पंक्तियों के विशेष की बात करें कि इन पंक्तियों में विशेषता क्या है, तो कवि ने प्रेम की मस्ती को यहाँ पर प्रमुखता दी है। व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रमुखता है। स्वप्नों का संसार में अनुप्रास है, भवसागर और भवमोजों में रूपक अलंकार है। खड़ी बोली का यहाँ स्वाभाविक प्रयोग है, तत्सम शब्दावली है और श्रृंगार रस की इसमें अभिव्यक्ति हुई है। अब देखो ये प्रश्न आ जाते हैं इस स्टैंजा से संबंधित, ये वाले प्रश्न आप देख सकते हो कि कवि के हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है और वह व्यक्ति क्यों है। ये सारे प्रश्न आप देखो तो यहाँ मैं उत्तर बता रही हूँ। उत्तर में आप देख सकते हो कवि के हृदय में एक विशेष अग्नि यानी आग जल रही है और वह प्रेम की वियोगावस्था में होने के कारण व्यथित है। वियोगावस्था यानी विरह की अवस्था। निज उर के उद्गार का अर्थ यह है कि कवि अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। निज उर के उपहार से तात्पर्य है कवि की खुशियों से, जिसे वह संसार में बांटना चाहता है। कवि को संसार इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसके दृष्टिकोण के अनुसार संसार अधूरा है, उसमें प्रेम नहीं है, संसार बनावटी और झूठा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो साथ साथ मुझे कमेंट में भी बताते जाओ। और फिर संसार में रहते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कष्टों को सहना पड़ेगा, इसलिए मनुष्य को हंसते हुए जीना चाहिए। देखिए उसके बाद एक स्टैंजा जो आ रहा है इस प्रकार से है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में भी अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने, ना जाना नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। शब्दार्थों की बात करें तो यौवन जवानी को कहते हैं, उन्माद पागलपन को कहते हैं, अवसाद यानी उदासी या खेद, यत्न यानी प्रयास, नादान ना समझ अनाड़ी, और दाना चतुर ज्ञानी, मूढ़ यानी मूर्ख, जग यानी संसार। इसका प्रसंग वही रहेगा जो हमने पहले किया है। फिर उसके बाद व्याख्या की बात कर लेते हैं। व्याख्या में कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है, वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। इस दीवानपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले हैं और वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आ जाती है तो उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु उसका मन रो देता है, यानी कि याद आने पर कवि का मन व्याकुल हो जाता है। कवि कहता है कि इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य को नहीं जान पाया, और यही कारण है कि हर व्यक्ति नादानी करता हुआ दिखाई देता है। वे मूर्ख ही होते हैं जहाँ समझदार और चतुर होते हैं। जो समझदार और चतुर होते हैं उन्हें मूर्ख कहा है। हर व्यक्ति वैभव समृद्धि भोग सामग्री की तरफ भाग रहा है और अपना स्वार्थ जो है उसे पूरा करना चाहता है। वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। कवि ये कहता है कि वो लोग इतना भी नहीं जान सके। वो कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भुला करके नई बातें कर रहा हूँ, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूल करके मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ। विशेषता की बात करें तो यहाँ पहली चार पंक्तियों में कवि ने आत्माभिव्यक्ति की है। आत्माभिव्यक्ति क्या होती है? अपने बारे में बताना। और अंतिम चार में संसार के विषय में बताया। उन्मादों में अवसाद में विरोधाभास अलंकार है
और ले फिरता हूँ मैं आवृत्ति से गेयता का गुण आ गया है, यानी गाया जा सकने वाला। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने ना जाना, इसमें अनुप्रास अलंकार है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना में, सुक्ति जैसा प्रभाव है, खड़ी बोली का प्रयोग है। प्रश्न है, ये सारे फिर से इस स्टेंजा के प्रश्न आ रहे हैं और उत्तर मैं आपको बता रही हूँ, आप प्रश्न खुद देख सकते हो। तो उत्तर है, कवि प्रेम का दीवाना है, उस पर प्रेम का नशा छाया हुआ है, परंतु उसकी प्रिया उसके पास नहीं है, अतः वह निराश भी है। कवि संसार के समक्ष हंसता हुआ दिखाई देता है, परंतु अंदर से वह रो रहा है क्योंकि उसे अपनी प्रिया की याद आ जाती है। कलावा की वत बाहे मेली लोग के नादान कहा। कवि संसार के बारे में कहता है, यहाँ के लोग जीवन सत्य जानने के लिए प्रयास करते हैं, परंतु वे कभी सफल नहीं हुए। जीवन का सच आज तक कोई भी नहीं जान पाया। कवि संसार से सीखे ज्ञान को भुला रहा है क्योंकि उससे जीवन सत्य की प्राप्ति नहीं होती है, जिससे वह अपने मन के कहे अनुसार चल सके। फिर एक स्टेंजा आ जाता है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोध मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। शब्दों की बात करें तो नाता यानी संबंध, वैभव यानी समृद्धि, पग यानी पैर, रोदन यानी रोना, राग या प्रेम, आग यानी जोश, भू यानी राजा, प्रसाद यानी महल, निछावर करना कुर्बान करना। खंडहर होता है टूटा हुआ भवन का कोई हिस्सा, और भाग यानी हिस्सा। प्रसंग वही है, यहाँ पर जो है व्याख्या की बात कर लेते हैं। कवि कहता है कि मुझ में और संसार में कोई संबंध नहीं है, संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है, यानी कि उसका संसार से कोई रिश्ता नाता नहीं है। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है, फिर उसे मिटा देता है। यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है, परंतु कवि हर कदम पर धरती को ठुकराता है, अर्थात वह जिस संसार में रह रहा है उसी के प्रतिकूल आचार विचार रखता है। कवि कहता है कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता है, रोता है लेकिन फिर भी प्रेम है। उसकी शीतल वाणी जो है ना, शीतल ठंडी वाणी जो है, भाषा वाणी है, उसमें आग समाई हुई है, अर्थात उसमें असंतोष है, झलकता है वह, और उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा हो गया है। फिर भी उस पर राजाओं के महल न्यौछावर होते हैं, ऐसे खंडहर का वह एक हिस्सा लिए घूमता है जिस पर महल भी न्यौछावर कर सके। विशेषता की बात करें तो कवि ने अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया है। कहाँ का नाता में कृष्ण अलंकार है, रोदन में राग और शीतल वाणी में आग में विरोधाभास अलंकार है, और बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और की आवृत्ति में यवक अलंकार है। कहाँ का और जग जिस पृथ्वी में अनुप्रास अलंकार की छटा आपको देखने को मिल जाएगी। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है, खड़ी बोली का प्रयोग है। ये यहाँ तक हमने चारों स्टेंजा की व्याख्या और प्रश्न साथ में जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बात की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।